हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम सीखेंगे अपनी सनसेट वाली फ़ोटो को कैसे एडिट किया जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लाइट सेक्शन में आ जाइए। आप सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट को 50 कर दे। फिर वाइट्स को -100। फिर हाइलाइट्स को -50। फिर शेडोज को फोटो के मुताबिक आप बढ़ा लीजिए। मैं इस फोटो के लिए 30 रखता हूँ। एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। फिर कलर सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे वाइब्रेंस को 50 कर दीजिए, सेचुरेशन को 10 कर दीजिए। फिर कलर मिक्स के ऑप्शन पे चले जाइए, उस पे रेड का ह्यू 10 कर दीजिए। फिर सेचुरेशन को 50 कर दीजिए, ल्यूमिनेस को +10। फिर ऑरेंज पे चले जाइए, उसका सेचुरेशन 50 कर दीजिए, ल्यूमिनेस +10। फिर येलो पे चले जाइए, उसका ह्यू -50 कर दीजिए, सेचुरेशन को +60। फिर स्काई ब्लू कलर पे चले जाइए, उसका सेचुरेशन +50 कर दीजिए। फिर ब्लू पे चले जाइए, उसका ह्यू -40। फिर सेचुरेशन को +50। फिर पर्पल कलर पे चले जाइए और उसका ह्यू -20 कर दीजिए। फिर डन। फिर कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन पे चले जाइए, उस पे शेडो सिलेक्ट कीजिए और उसका ह्यू 30 और सेचुरेशन 80 के आसपास रख दीजिए। मैं 70 रख देता हूँ। फिर मिड टोन्स पे चले जाइए, उसका ह्यू 28 कर दीजिए, सेचुरेशन को 26। आसपास होगा तो चलेगा। ल्यूमिनेंस को -10 कर दीजिए मिड टोन्स पे। फिर हम चलेंगे हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स पे यू को 28 के आसपास लेके जाएंगे और सेचुरेशन को 30 के आसपास। फिर ल्यूमिनेंस को +10 कर दीजिए। डन दे दीजिए। फिर इफेक्ट पे चले जाएंगे, टेक्सचर को +50 कर दीजिए, क्लैरिटी को +25 कर दीजिए, डीएस को +10 कर दीजिए, विग्नेट को -10 कर दीजिए। डिटेल्स के पेज पे चले जाइए, शार्पनिंग को +70 पर लेके चाहिए। आखिर पे हम सिलेक्टिव टूल यूज़ करेंगे। हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे और सन को सिलेक्ट करेंगे उसमें। फिर ये वाला ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर
फिर लाइट सेक्शन में जाएंगे और उस एक्सपोजर थोड़ा सा कम करेंगे, -24 रख देंगे। देखिए आपकी फोटो एडिट हो गई है। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।